1993 की तत्कालिक सरकार ने बिना आदेश के जो है वहाँ बैरिकेटिंग करके उनको रोक दिया, पोजीशन से बाहर कर दिया और कथा वगैरह पूजा पाठ की जो धार्मिक क्रियाएं चलती थी उसको बंद कर दिया। इस संदर्भ में एक हम लोगों का याचिका जो है दाखिल था कोर्ट में, इस पे सुनवाई दोनों पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई। कल का डेट दिया है, कल तक के लिए रिजर्व कर दिया। इस संदर्भ में कल जो हम निर्णय लेंगे और कल इस पे आर्डर आएगा। 1993 तक जो पूजा कथा वगैरह व्यास परिवार का सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा था, स्वामित्व भी जो है व्यास परिवार का रहा है, 1993 की तत्कालिक सरकार ने बिना आदेश के जो है वहाँ बैरिकेटिंग करके उनको रोक दिया, पोजीशन से बाहर कर दिया और कथा वगैरह पूजा पाठ की जो धार्मिक क्रियाएं चलती थी उसको बंद कर दिया। इस संदर्भ में एक हम लोगों का याचिका जो है दाखिल था कोर्ट में कि उस परिसर जो व्यास जी का तखाना है वहाँ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, कोई कब्जा न कर ले, इसको देखते हुए जिलाधिकारी को तत्काल रिसीवर बनाया जाए एवं पूजा पाठ शुरू किया जाए। जो पहले धार्मिक क्रियाएं चलती थी, कथा वगैरह तमाम चीज़ें थी, वो पुनः चालू हो और सामने जो बैरिकेटिंग है वहाँ एक रास्ता बना के कॉरिडोर के जो पुजारी हैं या जो भी उनके पंडित हैं उनसे जो पूजा वगैरह करके उसी नंदी जी के सामने रास्ता बनाकर, ताकि यहाँ कोई विवाद न खड़ा हो, ये सब देखते हुए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसपे सुनवाई हुई थी। माननीय कोर्ट ने जिलाधिकारी को रिसीवर बनाए जाने के संदर्भ में एक आदेश पारित किया, जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया और डीएम साहब रिसीवर बन भी गए। लेकिन कोर्ट का भी आदेश, हम लोग ने जो मांग किया था कि वहाँ पूजा पाठ कथा धार्मिक क्रियाएं 1993 तक जो होती थी उसको भी चालू किया जाए, इस संदर्भ में सुनवाई हम लोगों की जो है चली थी और आज उस पर सुनवाई थी। आज डेट था, माननीय जिला कोर्ट ने सुनवाई किया, सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि वहाँ कभी कोई जो है व्यास जी का जो है कोई कब्जा नहीं था, उनका स्वामित्व नहीं था, वहाँ किसी प्रकार की कथा वगैरह पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, वो क्षेत्र वो तहखाना जो है अंजुमन इंतजामिया का अपना है। हम लोगों ने अपोज किया, तमाम प्रमाण चूँकि सारे साक्ष्यों के साथ हम लोग जो है दाखिल किए तो तमाम चीज़ें पर हुई, उसमें सारे प्रमाण भी हम लोगों ने दिया है कि जो भाई बानली कोर्ट में जो ये बातें कर रहे हैं इसको डिनाई करते हुए कि ये सारी चीज़ें जो है कथा चलता था 1993 तक, उसमें सब कुछ चलता था, सारी धार्मिक क्रियाएँ चलती थी। तो इस पर सुनवाई दोनों पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई। माननीय जिला कोर्ट यानी जिला जज साहब ने आर्डर को रिजर्व कर लिया है और कल का डेट दिया है, कल तक के लिए रिजर्व कर दिया, कल के डेट को निश्चित किया और कहा है कि कल जो है आर्डर में वहाँ पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाएं जो पहले चलती थी वो बहाल हो, शुरू हो या न हो, इस संदर्भ में कल जो हम निर्णय लेंगे और कल इस पर आर्डर आएगा। इसलिए सुनवाई पूरी हो गई है पूजा पाठ तमाम चीज़ों के संदर्भ में और कल इस पर आर्डर आएगा। माननीय कोर्ट ने जिला आर्डर को रिजर्व कर लिया है।